वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इसमें देखेंगे एनटीपीसी का, देख लेते हैं। एग्जाम आपका फिनिश हो चुका है, फर्स्ट सेशन 28 तारीख का। फर्स्ट सेशन का जितने भी सारे प्रश्न हैं फटाफट देख लेना और आंसर के साथ, ठीक है ना। आंसर भी लिख दिए, फटाफट देख लेना कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जितने प्रश्न अभी मिले हैं फटाक से देख लो और आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, कंटिन्यू आपको एनटीपीसी का एनालिसिस करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको, एकदम ऑफिशियल, एकदम जेन्युइन, देख लेना, एकदम सत्य है और 100% पूरा है, बिल्कुल भी प्रश्न फेक नहीं होगा। किसी भी यूट्यूब पर देख लेना, यही आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट मिला लेना जिसका कल एग्जाम होने वाला है। प्रश्न रिपीट होंगे और पेपर कैसे आ रहा है, कठिन आ रहा है या फिर सरल आ रहा है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैथ में कितने प्रश्न पूछे गए, जीके में कितने प्रश्न पूछे गए, आंसर सहित आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना लेट करके, जल्दी जल्दी देखो, फटाफट जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बताते चलेंगे, आपको लोग देख लेना। पहले यहाँ पे दो शिफ्ट होंगी ओनली, 10:30 से 12 बजे तक, और फिर उसके बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना लेट करके फटाफट। सबसे पहले जीके देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे जीके में। तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1 जीके में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, अपना देख लेना। उसके बाद पूछा गया था प्रश्न जीके में, दूसरा प्रश्न देख लेना, कुंटकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर होगा जो भी होगा कैंडिडेट। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। आईपीएल 2020 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया, दुबई में खेला गया, इसका राइट आंसर ये होगा, फटाफट देखते चलो। उसके बाद देखो, कोविड केयर ऐप्स किस राज्य ने लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया इसको, कोविड-19 केयर ऐप। खेलो इंडिया गेम 3rd 2020 कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी में हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखियो, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, शिमला में है। उसके बाद पूछा गया था कलारी पट्टू किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना, कलारी पट्टी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का, यहाँ देखिए, पृथ्वी पर आपका वेट 16 यानी 60 kg है, तो आपका चांद पर वजन कितना होगा, 1/6 से होगा, इसको काट दोगे तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 kg वहाँ पर आपका वजन होगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखिए, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में, आपको ये करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और एक प्रश्न पूछा था सबसे भारत से पूछा था, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आंसर। उसके बाद आगे देखो, महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। उसके बाद तीन प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे, URL का फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, एक प्रश्न और था, और आपको दिखाते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और दिखाते हैं आपको जीके के। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फटाफट आगे देखिए, और उसके बाद साइंस के क्वेश्चन देखो फटाफट, पूछा गया था ध्वनि से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, सतीश चंद्र रेड्डी। गोभी मरुस्थल कहाँ पे स्थित, मंगोलिया में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, अकितम अच्युतन और नंबूदरी को दिया गया है, तो प्लीज़ इसको रख के जाना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी रेखा गुजरात से है, गुजरात की है सबसे लंबी तटीय रेखा। उसके बाद और प्रश्न पूछा है, देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में है, प्रश्न पूछा। उसके बाद पूछा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, एक प्रश्न मुझे ऐसा नहीं पता चला, प्लीज़ कमेंट करके बताना कितने होते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अधिनियम कब आया था, 1986 में। उसके बाद प्रश्न पूछा, हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, जयराम ठाकुर हैं, इसको रट के जाना, CM का पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, ध्वनि का माध्यम किस होता है, ये भी प्रश्न हमको आंसर नहीं मिल पाया है, ध्वनि का माध्यम किसमें कम होता है, ज़्यादा होता है, क्लियर नहीं हो पाया, बता देंगे इसको, फुल एनालिसिस करेंगे शाम को। उसके बाद अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, अर्थशास्त्र में, 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को। आगे दिखाते हैं और को आपको, ओवरऑल पेपर की बात करें तो एकदम इजी पेपर आ रहा है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट पेपर है, आराम से कर लोगे आप लोग, कम से कम 80+ जाओगे, आराम से करके आओगे। 500 का एक सवाल पूछा है, एकदम इजी। कैलेंडर का पूछा है, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, नॉन वर्बल के 3 से 4 प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें आपको वाटर इमेज हो जाएगा और ट्रेंगल हो जाएगा और उसके बाद वर्ग वाला हो जाएगा, क्वेश्चन यही सब पूछ रहे हैं। उसके बाद सन्निहित पूछ रहा है, मतलब इनमें से सन्निहित मतलब ऐसे एक फिगर बना है, उसमें ऐसे ऑप्शन 4 दे रहा है, इनमें से कौन सा मैच करेगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रक्त संबंध से 2 प्रश्न आ रहे हैं, रैंकिंग से एक प्रश्न आ रहा है, वाटर इमेज बाकी सब पूछा, वर्ग ट्रेंगल ये सब पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, मैथ में 2D से प्रश्न आ रहे हैं, 3D से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रतिशत से, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा प्रश्न है, 3 से 4 प्रश्न है, तो यही सब अभी प्रश्न मिले हैं, बाकी पूरा एकदम एनालिसिस कर दूंगा, बाकी सब कुछ जितना बताना था आपको फटाफट बता चुके हैं। चलिए आपसे विदा लेते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद। ऑफिशियल आंसर की थी 100% हर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।